कि अगर इस क्वेश्चन में अगर दो किस्म के लीक वर्ड्स हैं डी एंड टू डी, और मेरे को ये कहा जा रहा है कि इस होल की हाइट ग्राउंड से कितनी है एच है, और ये हाइट लिक्विड की एच बाई टू है, और दूसरी हाइट भी कितनी है एच बाई टू है, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स निकालना है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट लगाऊंगा अंडर रूट ऑफ टू जी एच, तो वो शॉर्टकट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले एक्सप्रेशन में डेंसिटी सेम थी, तो इसलिए वो चल पा रहा था। इसमें मत लगाना। आज के बाद अगर दो डेंसिटीज हैं, और कभी कभी मैंने लीक वर्ड की तीन तीन डेंसिटीज भी देखी हैं, अब कितनी भी हो, आपने फिर से बर्नौलीज ही लगानी है क्वेश्चन में, तो ही हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं। तो अगर सिंगल डेंसिटी हो फिर तो रूट टू जी एच, अगर एक से ज़्यादा डेंसिटी हो अब शुरू करो फिर से, एक पॉइंट इसके अंदर लो, एक पॉइंट इसके बाहर लो, ए पॉइंट लिक्विड के अंदर है, बी पॉइंट लिक्विड के एकदम बाहर है, तो आप ए और बी पॉइंट पर क्या लगा दो, बर्नौलीज, जी एच तो हो जाएगा कैंसिल। प्रेशर बोलो ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे एक तो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा ऊपर से, ये हाइट कितनी है एच बाई टू, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा लिक्विड का एच बाई टू इंटू डेंसिटी इंटू जी, और ये हाइट कितनी है, ये एच बाई टू टोटल में से एच को माइनस करके क्या आएगा, एच बाई टू माइनस एच इंटू डेंसिटी टू डी इंटू जी। ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी टू डी है, डेंसिटी नहीं गिवन होगा, ये तो गिवन है, हाइट्स गिवन होती हैं वो तो। तो यहां पर आपका जो लिक्विड का लेवल है वो एच बाई टू है, और ये मैंने कितना बोला, कितने एच बाई टू, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी गिवन होगा माइनस एच इंटू टू डी इंटू जी, और यहां पे प्रेशर क्या है एच बाई टू इंटू डी इंटू जी, तो यानी कि ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक होगा, एक लिक्विड का एच बाई टू डी जी होगा, दूसरे लिक्विड का एच बाई टू माइनस एच इंटू टू डी इंटू जी होगा, अभी निकाला तो ए पॉइंट का प्रेशर आ गया, और डिवाइडेड बाई, अब डेंसिटी क्या लें, डी की टू डी, टू डी क्यों, डी क्यों नहीं, क्योंकि जो निकल रहा है वो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है टू डी, तो आपने टू डी ही लेना है, और अंदर की ए की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो, और बी पॉइंट की वेलोसिटी बाहर निकलती, सॉरी बी पॉइंट का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक, बी पॉइंट का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक, और जो लिक्विड निकल रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है टू डी, और वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो आप इसे ब्रेक कर लें, पी एटमोस्फेरिक डिवाइडेड बाई टू डी, इस दिस डिवाइडेड बाई टू डी, दिस टर्म डिवाइडेड बाई टू डी, और ये टर्म ऐसे आ गई। फिर आप एक काम करें, इस टर्म को उस टर्म से कैंसिल कर दें, ये टर्म एज इट इज, इसको ब्रेक करें एच बाई टू इंटू टू डी इंटू जी माइनस एच इंटू टू डी इंटू जी डिवाइडेड बाई टू डी एंड टू डी, तो यहाँ से डी से डी, टू से टू, टू से टू, डी से डी, डी से टू, डी कैंसिल, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगी, इसका एलसीएम ले लें तो ये टर्म आएगी, वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स निकाल लें तो ये टर्म आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओहो इतना बड़ी जल्दी करा दिया तो समझ में नहीं आया, समझना क्या है इसमें, ये मैथ है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्वेश्चन में क्या आएगा, मुझे ये भी नहीं पता तुम्हें वो क्वेश्चन में तीन डेंसिटी देगा, मुझे नहीं पता वो डी देगा, टू डी देगा, थ्री डी, फोर डी देगा, मुझे नहीं पता क्या देगा, मेरा काम है सिर्फ बर्नौलीज को लगा के दिखाना, और ए पॉइंट पर क्या प्रेशर पुट करना है, वी ए क्या पुट करना है, बी पॉइंट पर प्रेशर क्या पुट करना है, और वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स निकालना है, ये सारा मैथ्स है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये सब वेरी करेगा, और आप इसका बिल्कुल भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वो डेंसिटी क्या देगा, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया डी और टू डी का, वो तुम्हें थ्री डी फाइव डी देगा, मुझे कुछ नहीं पता क्या देगा, ये तो मैंने वैसे ही बना दिया कि इस तरीके से होगा। क्लियर है? इसका अगला पोर्शन सुन लो, ओनली फॉर कंपटीशन है प्लीज। रेंज की वैल्यू निकाल दो, पानी कितनी दूर जाके गिरेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये लगा देता हूं टू इंटू अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट होल के ऊपर की हाइट, तो मत लगाना पुराना फॉर्मूला, क्योंकि टू इंटू रूट एच एच डैश का फॉर्मूला तब लगता है जब डेंसिटी एक हो। अब इसमें तो डेंसिटी दो है, तो फिर से प्रोजेक्टाइल शुरू कर लो। प्रोजेक्टाइल में ये हाइट क्या है इसकी एच, और रेंज क्या है इसकी आर, तो आप h इज इक्वल टू, मतलब ये तो बिल्कुल भी मत यूज करना, मैंने लिखा हुआ है डोंट यूज, तो ये शॉर्टकट मत लगाना,
प्रोजेक्टाइल का लगाना, एच इज इक्वल टू 0 + ½ gt² से टाइम निकालना लीक्वर्ड के बाहर गिरने का, और एक्स एक्सिस में एस इज इक्वल टू वी टी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर है, वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स इनटू टाइम। टाइम तुमने निकाल लिया प्रोजेक्टाइल से, एफ फ्लक्स तुमने ऊपर निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख लेना, ऐसा कुछ ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, या तो कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, करने के बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा इसी क्वेश्चन में, डी और टू डी है, बताओ मैं होल कहाँ इंसर्ट करूँ, होल कहाँ रखूँ, कितनी हाइट पे रखूँ, होल की हाइट बताओ, ताकि पानी दूर से दूर जाके गिरे, रेंज मैक्सिमम हो ना। सबसे नीचे तो पानी है, नीचे तो ऐसे गिर जाएगा सामने, तुम कहोगे सबसे ऊपर तो ऐसे गिर जाएगा, तो आपको हाइट बतानी है कि रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। तो याद करो मैथ्स का मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक, तो रेंज का फॉर्मूला तो है हमारे पास, तुम्हें हाइट बतानी है जब रेंज की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। तो तुमने रेंज कैसे निकाली, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके टू से टू कैंसिल करके ये क्या आ गई, रेंज की वैल्यू आ गई, जी से जी कैंसिल, ये रेंज की वैल्यू आ गई। तुम अगर रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हो तो तुम रेंज को डिफ्रेंशिएट करो और इक्वल टू जीरो कर दो, लेकिन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, जो चीज़ निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो तुम डी आर बाई डी एच करके जीरो कर दो, पर लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अंडर रूट में डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में एक शॉर्टकट है, तुम अगर रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हो, रेंज की जगह रेंज स्क्वायर को मैक्सिमम कर दो, बात तो एक ही है भाई, अगर आर मैक्स होगा तो आर स्क्वायर भी तो मैक्स ही होगा, तो रेंज स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर कर लो, रेंज स्क्वायर है, तो रेंज स्क्वायर को मैक्सिमम करना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, स्मॉल एच वेरिएबल है, कैपिटल एच कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करके हाइट आएगी, ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेना। तो मतलब इस टेक्निक से ऑब्वियसली एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं था, ये किसी कॉम्पिटिशन का ही क्वेश्चन है, तो ये टेक्निक है किसी भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि अगर मिक्सचर ऑफ लिक्विड आएगा तो एफ्लक्स कैसे निकलेगा, रेंज कैसे निकलेगा, और होल की हाइट क्या रखी जाएगी। और याद तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, और याद कर भी नहीं सकते, 6 महीने छोड़ो, 6 दिन में फॉर्मूला भूल जाओ, मेरे को नहीं याद, तुम्हें कहाँ से याद होगा, अभी नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए, बस बर्नौली याद रख लेना, वहीं देखी जाएगी जो क्वेश्चन में लगाना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक।